हेलो गाइस, मैं हूँ किरण काइस्था और आज हम एक ब्लॉग बना रहे हैं। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं एक ब्लॉग बनाऊँ, बट आज हमारे को एक मौका भी मिला है क्योंकि एक फेस्टिवल में हम यहाँ पे आए हैं और इस फेस्टिवल का नाम है कमांदी पोर। तो आप कुछ लोगों को तो पता भी होगा लेकिन कुछ लोग नहीं जानते, तो ये कुल्लू ज़िला के एक महाराजा कोठी जो है वहाँ पे एक गांव है कमांद, तो वहाँ पे ये फेस्टिवल होता है। ये बहुत पुराना फेस्टिवल है, मतलब मैं खुद भी यहाँ नहीं गई हूँ कभी, लेकिन इस बार मौका मिला है तो ये मेरी श्रद्धा थी कि मैं खुद भी जाऊँ वहाँ पे और देवता से जो है हमारा जो बड़ा देवता है पराशर ऋषि उनसे आशीर्वाद लूँ। तो फिर हमने सोचा, हम सब सिस्टर ने, कि हम इस बार जाते हैं, थोड़ा सा इंजॉय भी करते हैं और जाके दर्शन भी कराते हैं और थोड़ा सा मजे मजे करते हैं। और फर्स्ट ब्लॉग है तो दोस्तों कुछ गलती फलती होगी तो फिर माफ कर देना। और इस टाइम पे हम अपनी बुआ के घर हैं क्योंकि हमने सोचा नहीं था कुल्लू से यहाँ तक का सफर हमारा कैसा कैसा रहा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, वीडियो के एंड में बताऊंगी मेरा सफर कुल्लू से यहाँ तक कैसा कैसा रहा, मतलब हम सब का ही, हम सब सिस्टर्स का। लेकिन यहाँ पे आके हमने डिसाइड किया कि हम एक ब्लॉग बनाना चाहिए। तो फिर अभी हम बुआ के घर में हैं और यहाँ पे तैयारियाँ चली हैं खाने की और खाना बना रहे हैं, कोई कुछ कुछ मतलब अपना अपना सब कर रहे हैं। और थोड़ी देर में मतलब गेस्ट भी आएंगे, यहाँ पे गेस्ट आते हैं और वो भी सबसे मेन बात यहाँ की ऐसे कि ये रात को मनाया जाता है, यहाँ पे मेला जो रात को ही होता है और हमें यहाँ पे 2 बजे रात को जाना है ऊपर, तो मतलब जो भी फेस्टिवल जो भी जैसा होता है वहाँ पे वो रात को ही होता है, तो यहाँ से मतलब हमें टाइम लगेगा, 3 घंटा ऊपर चल चल के जाना है हमें। जाते तो मतलब है तो सड़क भी, हम सड़क से जा सकते हैं, बट ऐसा है कि रास्ते से हम जाएंगे और बीच बीच में गांव आते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर हम मतलब कि वहाँ पे बैठते बैठते जाएंगे, सबके वहाँ पे खातिरदारी करेंगे थोड़ा थोड़ा और उसके बाद जाके हम ऊपर पहुँचेंगे। तो फिर अभी थोड़ा सा हम थोड़ा बुआ की हेल्प करते हैं, यहाँ पे काम कुम करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे और थोड़ा गेस्ट आते हैं और मेहमान नवाजी करेंगे। फिर उसके बाद हम सीधी 2 बजे मिलेंगे आपको, 2 बजे मतलब कि 2 बजे हम यहाँ पे तैयार त्यूर होके रेडी मिलेंगे आपको। और उसके बाद मैं जाने का थोड़ा सा करूँगी क्योंकि रात को कुछ दिखाई नहीं देगा, बट ऐसे कि आवाज़ तो सुनाई देगी, इसलिए मैं थोड़ा फिर आपको दिखाऊंगी रात को कैसे कैसे होता है। और यहाँ पे देखो कैसे कैसे, मतलब अभी मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है तो फिर कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था, तो फिर मेरी सिस्टर को मैंने कहा कि थोड़ा सा फ्लैश मार दे यार, थोड़ा सा मुझे दिखूँ तो सही मैं कैसी लग रही हूँ, कैसे आता है। तो फिर ये है, ये फोन पकड़ के बैठी है, ये गीतांजलि है मेरी सबसे छोटी सिस्टर, और ये है कुनिका, ये भी आई है, जीजू नहीं आए हैं बट जीजू आई है। और यहाँ पे सब अरेंजमेंट हो रहा है, ये मेरी बुआ की लड़की है प्रीति, लो प्रीति जिसको हम प्यार से काली बोलते हैं ये प्यार का नाम इसका काली है, लेकिन काली है नहीं वैसे, बहुत गोरी है, सबसे गोरी है। और ये यहाँ पे ब्रेड का मीठा बनेगा, ये भावना है बब्बू जो सच के बैठी है एकदम, ये मतलब सबसे ज्यादा पहलवान है जो अभी एक सूट में बैठी यहाँ पे। और बस ब्रेड का जो मीठा बन रहा है, मीठा मतलब कि पुलाव टाइप मीठा, तो बस वो बनेगा। और ये नीतिका है, हम मतलब हम सिस्टर में सबसे छोटी है, सबसे छोटी है ना ये, सबसे सबकी लाडली है, सबकी लाडली है। ये भी एकदम तैयार होके बैठी, इसको पता था कि ब्लॉग बनने वाला है और एकदम तैयार होके आई होगी। और ये है अंजना, ये भी मेरी, ये भी हमारी सिस्टर ही है और ये बब्बू की मतलब क्लोज फ्रेंड है, ये यहाँ पे आ जाए हैं, हमने इनको बुलाया था, मतलब बब्बू ने बुलाया कि तू चल चल, ये आ नहीं रही थी पहले, बहुत नखरे मार रही थी, लेकिन आज बोला इसने कि लास्ट टाइम ही बोला कि चल मैं आ रही हूँ। और ये छोटा है, ये पबजी डॉन, ये पबजी खेल रहा है यहाँ पे, ये बुआ का इकलौता लड़का है, हमारा इकलौता भाई, चौथे नंबर पे जो है। और ये अभी गेम खेल रहा है, यशु से हाय हाय। तो गाइस ये है, अब हम अभी हम मजे कर रहे हैं, बुआ को नहीं दिखा सकते, वो भी खाना बनाने में बिजी है, तो फिर बाद में मिलते हैं 2 बजे, बाय बाय। हाँ चलो गाइस, अब थोड़ा हम काम करते हैं, बुआ की हेल्प करते हैं और ये सलेट की तैयारी हो रही है और ये मीटिंग तैयारी कर रही है और ये इतने कचौरियाँ बन रही है और ये कुनिका ओए मेरी अब ये निकल के आएगी चलो बाय, चलो अभी हम काम करके आते हैं, ठीक है, बाय।
गाइस, तो हम अभी डांस करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि अभी मतलब कि 2 बजने को है पूरे 5 घंटे, तो फिर 1 घंटा फुल एंजॉय करके फिर हमने खाना खा लिया, तो उसको भी पचाना भी है, इसलिए थोड़ी देर हम डांस करेंगे, उसके बाद जाके रेस्ट करेंगे, सोएंगे, उसके बाद उठेंगे, तैयार होने लगेंगे, उसके बाद जाएंगे। Yeah.
गाइस गुड मॉर्निंग। आज हम मतलब हमारा जो प्लान था वो लगता है कि चौपट हो गया। 2 बजे उठने वाले थे और यहाँ पे पहुँच रहे हैं 3:30, क्योंकि सबको मतलब इतनी नींद, मतलब गहरी नींद में सोई थी सारे घोड़े बेच के। तो मेरा तो अलार्म भी मतलब मैंने 2 बजे कर रखा था, लेकिन वो पता नहीं मैंने कैसी नींद में बंद कर दिया। तो फिर अभी ये देखो अभी सारे तैयार होने में लगे। मुझे लगता है ये ऊपर तो सारा प्रोग्राम खत्म भी हो जाएगा। अगर ये तो हमारी किस्मत पे ही होगा, अगर हमें कोई लिफ्ट मिलेगी तो फिर तब तो सही है, हम जाएंगे। और ये देखो यहाँ पे कहाँ तैयार हो रही है, क्योंकि हर कमरे में मतलब कब्जा रखा हुआ है सब लड़कियों ने करके। एक कहाँ पे हो रहा था और एक और फिर काम पे। अब बस इनका तो हो गया, वैसे थोड़ा पूरा मेकअप ही रहा है, पर मेरा अब तक उनको पट्टू लगाने जाना है। तो फिर जो ऊपर बड़ी हुआ है वो फिर मतलब फ़ोन नहीं उठा रही सुबह सुबह, उन्होंने भी शायद नींद में फ़ोन काट दिया, इसलिए अब मेरे को ही जाना पड़ रहा है पुलिस साइड। तो फिर मैं फटाफट से पट्टू लगा के आपको मिलती हूँ दोस्तों। तो गाइस मेरा पट्टू लग गया है, अब बस हम मुझे भी दिखाने रहा है, अब हम जाने के लिए तैयार है, रेडी है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 4, तो 4 बजे हम निकल रहे, जबकि 4 बजे हमको ऊपर पहुंचना चाहिए था, लेकिन क्या करें किसी की नींद ही नहीं खुली। तो फिर अब हम जा रहे हैं, अब हम रेडी हो गए, तो फिर अब सीधे ऊपर मिलते हैं। ओके चलो 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 चलो। हेलो गाइस, तो हम ऊपर पहुंच गए हैं। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड है, बहुत 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 लाइन लगी हुई है कोई। अब हम तो खींचते जाओ, हालत खराब जीत नहीं है बहुत ज्यादा। गाइस तो ये है जागरा, मतलब हम ना पूरी 1 घंटे के बाद पहुंचे यहाँ पे, तो अभी तक वो खत्म होने वाला है। चलो शुक्र है जय कार्तिकता कि हम, जय प्राची ऋषि कि हम पहुंचे। तो हमने कहा थी कि आपके दर्शन को कैसे भी तरह किस भी तरह से पहुंचेंगे, तो और हम पहुंच गए, दर्शन करने को मिल गया, तो इतना काफी है। यहाँ से बिल्कुल अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हाथ तो ऐसे हो गए बिल्कुल भी फोन पकड़ने के लायक नहीं है। यहाँ से आ रही टॉर्चे सिर्फ टॉर्चे दिख रही है कुछ। Thank you.
ठंड से बचते बचते हम यहाँ पहुँच गए किरण का हिस्सा। तो गाइस अब हम जा रहे हैं दीप्ति को शेष देने। अब फेस्टिवल खत्म है, मेला खत्म हो गया, कमांडी पो खत्म, तो अब हम घर जा रहे हैं। और इस टाइम पे लिफ्ट तो नहीं मिली लेकिन हम पैदल जा रहे हैं, तो फिर बस ये है हमारी लंगर चली। सबसे पीछे चाची चली हुई है ना, रात को तो बहुत बेस्ट लग रही थी। और अभी इसको देखो सब कुछ मैचिंग लगाया है, पट्टू लगाया है एकदम कड़ाकेदार डब्बे वाला, लाल खुशी है उसमें एंड मैचिंग लाल पजामी विद व्हाइट हाई नेक मैचिंग सब कुछ एंड वैली एंड ब्लैक सॉक्स। तो और ये देखो कैसे नाच रही है अपनी धुन में मस्त, कमांडीपुर की ज्यादा चढ़ी हुई इसको। तो ठीक है बाय बाय गाइस, इसी तरह से हमारा ब्लॉग हो जाता है एंड शायद काफी लंबा बन गया है, तो फिर अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।